हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश बाबा के ऊपर में। साथियों, हम लोग क्लास सिक्स एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे हैं ज्योग्राफी का, और जिसके अंदर में हम लोग ने चैप्टर 5 के पार्ट 1 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कल मैंने पार्ट 1 करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो दिख रही होगी आई बटन के पास, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंचे। कल हम लोग ने लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ लिया था, आज हम लोग हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है जब हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे कि अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इसका रीजन ये है कि अर्थ का जो कवर है वो लगभग 71% सिर्फ पानी से कवर है। द मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर एंड 29% इज कवर्ड विद द लैंड। यानी 71% जो है हमारा धरती पानी से घिरा हुआ है और 29% आपका वाटर लैंड से। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन द ऑल द फॉर्म्स। हाइड्रोस्फीयर जो वाटर है वो कंसिस्ट करता है हर फॉर्म में, जैसे आपका वेपर हो गया, फिर उसके बाद आपका आइस हो गया। तो ये जितने भी तरह के फॉर्म ऑफ वाटर होते हैं उनको सब में हम लोग लिथोस्फीयर को हम लोग सब में काउंट करते हैं, सॉरी हाइड्रोस्फीयर में। एज अ रनिंग वाटर इन द ओशियन एंड रिवर्स एंड इन द लेक्स, आइस इन द ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन अ एटमोसफेयर। ठीक है, सो वाटर वेपर जो मौजूद है एटमोसफेयर के अंदर में, अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, आइस इन ग्लेशियर्स हो गया, लेक्स हो गया, ओशियन हो गया, रिवर हो गया, इन सब को हम क्या अच्छे में काउंट करते हैं साथियों, हाइड्रोस्फेयर के अंदर में। तो यहाँ पे परसेंटेज दी गई है, देखिए 97.2% ओशियन है और आपका स्टोर्ड इन आइस सीट एंड द ग्राउंड वाटर के अंदर में आपका मौजूद है ये एक जैसा दे दिया यार, कौन सा है ये वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से 2.77% और ग्राउंड और हाँ ये दोनों मिलाकर है, और उसमें से भी जो फ्रेश वाटर एक्सेसिबल है वो है 0.03%। यानी साथियों, जो फ्रेश वाटर ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं, आप और हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ 0.03% है। सोचिए, जबकि वाटर कितना है, लगभग 71% है, और उसमें भी हम लोग सिर्फ जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो 0.03% है, बाकी पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अनयूजेबल है। और इसीलिए हम इसे फ्रेश वाटर एक तरह से जो हम यूज करते हैं, यानी आप समझ सकते हो कि 1% से भी कम। तो पानी बहुत ज्यादा कीमती है, तो पानी को सेव करें। आपके आसपास में भी कोई नल खुला रहे, अगर किसी ने खुला छोड़ दिया हो गलती से, तो आप उसे जिम्मेदार नागरिक होने के साथ उसे बंद करें। जहां भी पानी आप सेव कर सकते हैं वहां सेव करें। चलिए, मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन। 97% जो वाटर है वो अर्थ सरफेस पे ओशियन में मिलता है एंड इज टू सॉल्टी फॉर द ह्यूमन यूज। ये पानी बहुत ज्यादा नमकीन होता है साथियों, इसमें काफी हाई अमाउंट में सॉल्ट होता है, जो ह्यूमन यूज के लिए एक तरह से पॉसिबल नहीं है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइसीट एंड ग्लेशियर और अंडरग्राउंड वाटर एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर फॉर द ह्यूमन यूज। यानी साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ जो वाटर है ना, जो उसमें भी मैंने बता दिया ना कि 97% तो भैया सिर्फ सॉल्टी वाटर है। अब इसमें से भी जो ग्लेशियर में मौजूद है, अंडरग्राउंड वाटर है, जो ह्यूमन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में है, और फ्रेश वाटर तो 0.03% में है। Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. ब्लू प्लैनेट होने के बाद भी पृथ्वी का हम लोग शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करते हैं, यही मेन कारण है इसका। ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट क्या है, ओशियन। दे आर ऑल आर इंटरकनेक्टेड, जितने भी ओशियन है वो इंटरकनेक्टेड है,
द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, ओशियन के जो वाटर है हमेशा मूव करते रहते हैं। अच्छा, ये मूव क्यों करते रहते हैं, इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देयर द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ द वाटर, जो तीन चीफ मूवमेंट है वाटर के, ओशियन वाटर के, वो क्या है, वेव्स हैं, टाइड्स हैं, और क्या है, ओशियन करेंट्स। द फाइव मेजर ओशियंस आर पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और आर्टिक ओशियन, इन ऑर्डर टू देयर साइज। साइज के हिसाब से इनको बांटा गया है कि, तो पहले नंबर पे है आपका पैसिफिक ओशियन जो काफी विशाल है, फिर द अटलांटिक ओशियन है, फिर इंडियन ओशियन है साथियों आपका, और इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशियन है पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम किसी देश के ऊपर में पड़ा है। बाकी आप देख लो, पैसिफिक किसी देश का नाम नहीं है, अटलांटिक किसी देश का नाम नहीं है, सदर्न किसी देश का नाम नहीं है, आर्टिक किसी देश का नाम नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना हमारे लिए गर्व का बात है। इन ऑर्डर टू द साइज सी द फिगर 5.1, तो आप 5.1 फिगर को देख सकते हैं कि इस तरफ आपका पैसिफिक ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, इसी का मतलब ये तो आपको फ्लैट सीट में है, अर्थ तो कर्व होती है, तो मतलब जॉइंट शेप में होती है, जॉइंट शेप में आप देखोगे तो ये पूरा ये वाला पोर्शन एक जैसा है। तो ये आपका, इसीलिए यहाँ पे ऐसा नहीं समझना कि आपकी पैसिफिक ओशियन इधर है या पैसिफिक ओशियन इधर है, दो तरफ है क्या, दो तरफ नहीं है, ये आपको फ्लैट शीट पे दिखाई है अर्थ, अर्थ तो गोल होती है। फिर आपके इधर सदर्न ओशियन है, उसके बाद आर्कटिक ओशियन है, तो आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, नहीं। सो द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन इज लार्जेस्ट ओशियन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहा है कि विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, अर्थ के एक तिहाई हिस्से में यह फैला हुआ है। मेरियाना ट्रिंच, कल मेरियाना ट्रिंच के बारे में साथियों हम लोगों ने बात की थी, जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो भी आपको पैसिफिक ओशियन के अंदर मिलता है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन सेप, पैसिफिक ओशियन ऑलमोस्ट सर्कुलर है इन सेप का। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, इसको घेर रखा है इसने, नॉर्थ अमेरिका ने, साउथ अमेरिका ने, एशिया ने, और आपका एक और कंट्री बच रहा है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ओके, ठीक है। द अटलांटिक ओशियन इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन, सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है साथियों, अटलांटिक ओशियन, या आप अटलांटिक ओशियन देख सकते हैं। इट इज द इन द वर्ल्ड, इट इज इन एस शेप, ये एस शेप में है, ठीक है, मैं बना देता हूं आपके लिए, एक लेट मी क्लियर दिस। ओ भाई साहब, इससे ज्यादा तो मैं जल्दी कॉपी में मिटा लूंगा। ओके, दिस इज एस शेप, ये एस शेप में है। इट इज फ्लैंक्ड, इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीकन ऑन ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड के तरफ में इसके नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है इस, और ईस्टर्न साइड में इसके यूरोप है और अफ्रीका है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड, हाईली इंटेंडेड का मतलब क्या होता है, वेरी शार्प, ठीक है, वेरी शार्प है, यहाँ पे जो कोस्टल लाइन है वो बहुत ज्यादा शार्प है, किसी दांत के जैसे, जैसे दांत होता है बहुत ज्यादा शार्प होता है, वैसे ही यहाँ पे कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन मतलब तटीय इलाका, जहां पे समुद्र खत्म होता है और जहां से लैंड ब्रीज चालू होती है साथियों, उसे हम, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड एज कोस्टल लाइन। भारत की मैं कोस्टल लाइन की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, दिस लाइन इज नोन एज द इंडियन कोस्टल लाइन। ओके, ये आपका कोस्ट लाइन है भारत का। दिस इरेगुलर एंड इनटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड एन आइडियल लोकेशन फॉर द नेचर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स, यहाँ पे बंदरगाह है जो बहुत नेचुरल बन जाते हैं। आप एक बंदरगाह होता है जो डिजाइन करना पड़ता है आपको इस तरह से, यहाँ यहाँ पे नेचुरल कोई बंदरगाह नहीं है, आपको डिजाइन करना होगा, आपको इंफ्रा बनाना होगा, लेकिन के शार्प शेप की वजह से ना ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे अच्छे बंदरगाह देखने को मिलते हैं। फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द कॉमर्स, कॉमर्स के पॉइंट व्यू से इट इज द बिजिएस्ट ओशियन, बिजिएस्ट ओशियन यानी यहाँ बिजनेस टर्म से लिया गया साथियों, बिजिएस्ट ओशियन। हो सकता है सवाल कर दे आपसे विच ओशियन इज नोन एज बिजिएस्ट ओशियन, तो याद रखिएगा अटलांटिक ओशियन इज नोन एज बिजिएस्ट ओशियन, आपको यहाँ से वन लाइनर मिल रहा है। द इंडियन ओशियन इज ओनली ओशियन
नेम आफ्टर अ कंट्री, एक कंट्री के बाद इंडियन ओशियन का ही एक सिर्फ ऐसा नाम है। मैंने बताया ना कि इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर में रखा गया है, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ, एक इंडिया साथियों यहाँ वर्ड आ गया तो एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। द शेप ऑफ द ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, ये इसका जो शेप है ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर है देखने में। वेट अ मिनट, लेट मी जूम आउट। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल इन शेप बन रहा है, ऐसा कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल है। ये देखिए ऑलमोस्ट ऐसा ले लेते हैं तो ट्राइंगल शेप का कुछ बनता हुआ दिखता है यहाँ पे। मैं अगर अच्छे से नहीं बना पाया तो सॉरी यार, क्योंकि ट्राइंगल शेप ऐसे ही बनेगा फ्रंट से देखेंगे तो। और अगर हम बनाएंगे ट्राइंगल शेप नहीं भी बनाते हैं, उल्टा ट्राइंगल शेप बनाएंगे तो अलग बनेगा। जैसे अगर मैं उल्टा मैं बनाता हूँ ट्राइंगल शेप, नो नॉट दिस मच, अगर यहां से मैं ले रहा हूं तो ये कुछ ऐसे हो गया इंडियन ओशियन। ठीक है, इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय द एशिया, नॉर्थ की तरफ इसने एशिया ने इसे बांध रखा है। इन द वेस्ट अफ्रीका हो गया, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, मैप के थ्रू आप देख सकते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एशिया नॉर्थ की तरफ है आपका, वेस्ट की तरफ है अफ्रीका और ईस्ट की तरफ है ऑस्ट्रेलिया। द सदर्न ओशियन इन सर्कल्स द कंटिनेंट्स ऑफ द अंटार्कटिक एंड एक्सटेंडेड नॉर्दर्न वार्ड्स टू 60 डिग्री, अरे यार टू 60 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड। ये आप देख सकते हो साउदर्न ओशियन की तरफ, ये इसका शेप यहाँ पे जो कह रहा है साथियों वो कह रहा है कि इन सर्कल्स है, इन सर्कल्स मतलब इन सर्कल्स में घेरा हुआ, ऐसे ऐसे आप कह सकते हो इन सर्कल्स हो गया, ऐसे मैं मान लेता हूँ इन सर्कल्स एक्सटेंड है 60 डिग्री तक लैटिट्यूड तक। द आर्टिक ओशियन, अब हम आर्टिक ओशियन पे आ जाते हैं ऊपर की तरफ। द आर्टिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल पे है मौजूद यह ओशियन, इसीलिए हम साथियों इसे आर्टिक ओशियन कहते हैं। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा ऊपर बन गया, फिट बे एक मिनट भाई, ये देखो यार मुझे माउस से ना ये चीजें करने में ना काफी परेशानी आती है। चलिए ये मान लिया हम लोग ने, ठीक है 66 डिग्री एंड हाफ पे है आर्टिक सर्कल, तो आर्टिक सर्कल में मौजूद है इसीलिए इसका नाम आर्टिक ओशियन दे दिया गया। सराउंडेड बाय द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से घिरा हुआ है, या नॉर्थ पोल है ऊपर की तरफ से उससे घिरा हुआ है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्क्रेच ऑफ द शैलो ऑफ वाटर इज नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। अब ये आप देखो पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट है, ये आप देखो ये दिख रहा है पैसिफिक ओशियन से इसका कनेक्शन है ना, तो ये आपका कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है हमको, और तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसी स्ट्रेट की यहाँ पे साथ ही बात हो रही है। इसे हम क्या बोलते, इस नाम को पूछ सकता है बेरिंग स्ट्रेट करके कुछ नाम है इसका, यार अगर प्रोनाउंसिएशन करने में गलती हो रही है तो मुझे माफ कीजिएगा। इट इज बाउंडेड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट एंड ऑफ द अमेरिका एंड यूरेशिया, यूरेशिया की तरफ हो गया इस, ये बाउंडेड है और नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का आपका बाउंडेड है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, दैट इज एटमॉस्फेयर। हम लोगों ने लिथोस्फेयर की बात की, हाइड्रोस्फेयर की बात की, अब हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैसेस, अर्थ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडेड है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। द थिन ब्लैंकेट ऑफ द एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट, एक थिन इंटीग्रेटेड इंपॉर्टेंट ब्लैंकेट है ये, अगर ये नहीं रहेगा तो इससे काफी दिक्कत होती है। इस ब्लैंकेट को किसने रोक रखा है साथियों, इस एटमॉस्फेयर को किसने रोक रखा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने रोक के रखा है, वरना धरती की जो वायु है वो एक तरह से आपको नहीं प्राप्त हो पाती अच्छे तरीके से, ना आप इतने ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज देख पाते हैं। ये जो लेयर्स ऑफ आपका एटमॉस्फेयर है जिनको भी मैं आगे बताऊंगा इस पढ़ूंगा तो, ठीक है ये होल्ड, ये एटमॉस्फेयर होल्ड किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा ग्रेविटी के द्वारा। इट प्रोवाइड्स विद द एयर वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट अस
फ्रॉम द हार्मफुल सन इफेक्ट रेज. सन के हार्मफुल इफेक्ट रेज यानी यूवी, यूवी की किरणों से साथियों हमें यह ब्लैंकेट जो है बचाता है. द एटमोसफेयर एक्सटेंडेड अस टू अ हाइट अबाउट 1600 किलोमीटर तक है एटमोसफेयर. द एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इंटू फाइव लेयर, ये पांच लेयर में बटा हुआ है साथियों. ऑफ द कंपोजिशन टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन के टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर. दीज लेयर आर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज आर कॉल्ड एज स्ट्रोपोस्फेयर. सबसे इसके नीचे लेयर जो अर्थ के सबसे नजदीकी वाला लेयर है साथियों वो है स्ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. इसे हम एक बार पिक्चर के माध्यम से देखेंगे ताकि चीजें और क्लियर हो सके आपको. तो लैंड और सी से जस्ट ऊपर जो है मौजूद लेयर है वो है आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड फिर ऊपर जाते हैं एक्सोस्फेयर. तो ये आप देख सकते हो, जूम जूम बस इतना काफी है. द एटमोस्फेयर इज एक्सटेंडेड, ये मैंने बता दिया यहां तक. द एटमोस्फेयर इज कंपाउंडेड मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इसमें ज्यादातर पाए जाते हैं. लाइक अप टू 99% इज क्लीन एंड ड्राई एयर है. क्लीन एंड ड्राई एयर, फिर ऐसे शब्द लिखने मेरे लिए तो भाई कठिन बात है क्योंकि क्लीन एंड ड्राई एयर है मौजूद लेकिन हर दिन नहीं रहने वाले. एक ना एक दिन हवा भी खराब हो ही रही है और आप देख सकते हो पॉल्यूशन कितना तेजी से बढ़ रहा है. नाइट्रोजन 58% मौजूद है, 78% मौजूद है इसके ऊपर में नाइट्रोजन. ऑक्सीजन 21% अप्रॉक्स मौजूद है. अब इसमें कुछ यहाँ पे महारथी ज्ञानी लोग बैठेंगे हो सकता है चैनल के ऊपर में पढ़ने के लिए, तो वो ज्ञान बांटना चालू कर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में कि सर ये तो 78% नहीं है, ये तो 78% पॉइंट कुछ है, ये तो 21% नहीं है सर, ये तो 20 पॉइंट समथिंग कुछ है सर, यहाँ पे तो आपने सर 21 ले लिया है. तो भैया जी ज्ञान बांटना है ना तो आप कहीं और ज्ञान बांटो, क्योंकि आप राउंड फिगर में लेके चलते हैं यहाँ पे. इतना आप आइंस्टाइन के फूफा नहीं बनना आपको, ठीक है? तो कोशिश मत कीजिए इस तरह के बेकार के ज्ञान देने का कमेंट बॉक्स के अंदर में. काम की बातें लिखिए तो दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो. अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन हो गया मौजूद है साथियों, अदर कंपनीज 1% में वॉल्यूम में ये मौजूद है. ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ द लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स अस द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम जब सांस लेते हैं साथियों तो कुछ अमाउंट में हम लोग के अंदर नाइट्रोजन जाता है बट उसे हम वापस रिलीज कर देते हैं. लेकिन प्लांट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है. प्लांट अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो प्लांट मर सकते हैं, उनकी खाना उनको बनाने में दिक्कत आएगी. कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रेजेंट इन द मिनट अमाउंट, अगर ये देखिए कि कुछ अमाउंट में मौजूद है तो भैया ठीक है, बट ये अधिक होंगे. अगर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा तो ये हमारे लिए हानिकारक है. ओके, दे एब्जॉर्ब द हीट रेडिएशन बाय द अर्थ, ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनका जो प्रोपोर्शन है यानी जो अमाउंट है वो कॉन्स्टेंट रहे तो ज्यादा ठीक है. हर एक एक्सेस चीज नुकसान करती है और वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक आपका लेयर बना देता है जो हीट को वापस, जैसे कि सूर्य की किरणें आई और सूर्य की किरणें जब टकरा के वापस धरती से वापस जाती है धरती के बाहर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर बना देता है और ये हीट को बाहर में नहीं निकलने देता है, जिसके कारण से धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. देयर बाय द कीपिंग द प्लांट वार्म, और इससे प्लैनेट गर्म होता है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं. इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रो ऑफ प्लांट, ये एसेंशियल है, ये जरूरी है. लेकिन लेकिन याद रखिएगा कि एक्सेस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे. द डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर इज वेरीज विद इन द हाइट, हाइट के साथ जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जो डेंसिटी है एटमोसफेयर की घनत्व है वो मैटर करती है. इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, सी लेवल के ऊपर मैक्सिमम होता है एंड डिक्रीज करता है रैपिडली ग्रोन अप. जब हम सी लेवल, सी सरफेस से ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते रहते हैं ये वैसे से हवा जो है लाइट होते रहती है. यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस अ प्रॉब्लम इन द ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, एयर के हवा की घनत्व में कमी होने के कारण जब क्लाइंबर्स जो पर्वतारोही, एक तरह से हम हिंदी में कह सकते हैं कि जो पर्वतारोही होते हैं जो पर्वत पे जाके क्लाइंबिंग करते हैं साथियों, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है. और अब देखते हो न्यूज के अंदर में आपने सुना होगा कि सांस लेने में उनको प्रॉब्लम आती है और कभी कभार उनकी डेथ भी हो जाती है. तो ये क्यों होता है साथियों, ये इसलिए होता है क्योंकि हवा की जो डेंसिटी है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हवा की डेंसिटी कम होती है. दे हैव टू कैरी विद द विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर, इसलिए उनको कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है. टू बी एबल टू ब्रीद एट द हाई एल्टीट्यूड के ऊपर. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस विद द गोन्स अप, जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है. द एटमोसफेयर एक्सपर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ,
देयर आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द प्लेस टू प्लेस. हाँ, ये प्लेस टू प्लेस मैटर करता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर, सॉरी माफ कीजिएगा, एयर का प्रेशर और टेम्परेचर ये जगह जगह पे चेंज होते रहता है, इस बात का याद रखिएगा. हाई एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर अलग होता है, प्रेशर अलग होता है. लो एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर अलग होता है, प्रेशर अलग होता है. सम एरिया एक्सपीरियंस इज अ हाई प्रेशर, कहीं कहीं पे हाई प्रेशर होता है, सम एरिया लो प्रेशर होता है. द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर. गोल्डन वर्ड्स है साथियों, याद रखिएगा. साइक्लोन चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे इन सब चीजों का इस्तेमाल करूंगा कि हवा हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. मूविंग एरिया इज नोन एज, जब हवा मूव करती है तो उसे हम विंड कहते हैं. तो यहां से भी आपको वन लाइनर आंसर मिलता है कि विंड क्या है. तो विंड इज नथिंग बट इट इज अ मूविंग मूवमेंट ऑफ द एयर इज नोन एज द विंड. याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ द एयर इज नोन एज द विंड. बायोस्फीयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके जिसमें हम लोग साथियों मौजूद है. बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ द लाइफ. द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर. इस सब चीजें मैंने कल बता रखी है कि लैंड वाटर एंड एयर जहां पे कॉन्टेक्ट करता है इस वाले रीजन को हम कहते हैं बायोस्फीयर. इट इज इन दिस जोन दैट द लाइफ दैट कैन बी यूनिक टू दिस प्लैनेट. इस प्लैनेट को यूनिक बनाता है लाइफ एग्जिस्ट करने में, वो यही जोन है, दैट इज बायोस्फीयर. देयर आर द सेवरल स्पेसिस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी इन द साइज फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू द ह्यूज मैमल्स. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक टू ईच अदर एंड द बायोस्फेयर फॉर द सर्वाइव. ये सब कुछ लिंक्ड है ईच अदर. हम लोग प्रकृति पर डिपेंड है और प्राकृतिक हमारे ऊपर डिपेंड है. प्रकृति नॉट प्राकृति प्राकृतिक और नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो हम पे डिपेंड है. अब आप सोचिए कि ह्यूमन तो है, अब ह्यूमन ने कुछ खाया फिर वो कुछ फेंक देते हैं तो फिर उसे कोई चिड़िया खाता है और कोई चिड़िया मर गई या फिर कोई ऐसे जानवर मर गए तो उनको वल्चर्स खाते हैं, तो वल्चर्स एज अ क्लीनर एजेंट काम करते हैं इन्वायरमेंट के लिए. तो सब एक दूसरे पे डिपेंड है, इसीलिए हम जो ये डिपेंडेंसी है पूरे एटमोसफेयर लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर की हमारे ऊपर और हम इनके ऊपर, तो ये एक पूरा जोन बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है. बायोस्फीयर सर्वाइव करने में हमको मदद करता है. द ऑर्गेनिज्म इस बायोस्फीयर में भी ब्रॉडली टू बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट्स एंड किंगडम्स. याद रखिएगा, बायोस्फीयर को फिर हम डिवाइड करते हैं दो भाग में, एक है प्लांट किंगडम एक है एनिमल किंगडम. द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्टेड विद द ईच अदर एंड अफेक्टेड ईच अदर इन द सम वे और द अदर. For example, cutting of the forest and fulfilling our needs of woods or cleaning the lands for the agriculture may lead the fast removal of the soil from the slopes. याद रखिएगा कि स्लोप पर से जो सॉइल है किसी भी स्लोप पर, वो मिट्टी जो है एक जगह ठहर नहीं सकती, पानी के कटाव के साथ मिट्टी भी आगे की तरफ बढ़ जाती है. लेकिन 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 अगर हमारे पास पेड़ मौजूद होंगे साथियों तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा होने के चांसेस कम हो जाएंगे. जब हम जब हम एग्रीकल्चर के लिए लैंड को साफ कर देते हैं और एक तरह से जो सॉइल को बांधे रखने की क्षमता होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो इससे लैंडस्लाइड्स के भी केसेस बढ़ सकते हैं. तो हमें अपने इस बायोस्फीयर को रिजर्व करने के लिए हमें अपने नीड्स को रखना होगा पर ग्रीड्स को नहीं, याद रखिएगा. सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी डैमेज ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमिटीज. अर्थ को एक आया भैया, अर्थ को एक आने के बाद क्या हुआ, पूरा प्लैनेट में डिस्टर्बेंस आ गया, दो प्लेटें घसक गई आपस में, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ द लैंड. कोई दो लैंड सबमर्ज हो सकती है, एक साथ जुड़ सकती है, एक साथ टूट सकती है. ये सब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज हैं जो आपको अभी नहीं पढ़नी, आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा इसके बारे में. एज हैपन टू इन द केस ऑफ द सुनामी रिसेंटली. ठीक है, parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged under the water. Discharge of the waste material into the human and lakes and makes the water unsuitable for the human use. Discharge of जो waste material है साथियों, जो industries से निकल रही है, वो एक कहीं ना कहीं damage कर रही है हमारे environment को, और उसके कारण से human इस water जो fresh water मौजूद है 0.003% वो भी एक दिन pollute हो जाएगा और completely पानी जो है अनएक्सेसिबल हो जाएगा ह्यूमन के लिए. तो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लाइफ के लिए, तो सेव करें पानी, सेव वाटर. आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू सेव वाटर.
इट ऑल्सो डैमेज ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ को भी डैमेज करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर साथियों मौजूद हैं वो डैमेज हो सकते हैं, पानी गंदे होने से मछलियों को दिक्कत हो सकती है। एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स पॉल्यूट्स द एयर। इंडस्ट्री से एमिशन निकल रहा है, एयर पॉल्यूट हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूशन ऑफ एयर, बट इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ CO2, लीड्स द इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। द टर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मैंने बता दिया साथियों, CO2 एमिट होता है, किस तरह से हीट अंदर आती है सन की और बाहर नहीं निकल पाती इस परेत की वजह से, और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देर इज दस अ नीड ऑफ द लिमिटेड द यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर पे हम लोग क्या करें, एक कंप्लीटली बैलेंस बनाएं। अगर एक भी चीज इनबैलेंस होती है तो हमारे बायोडाइवर्सिटी को, हमारे जलवायु परिवर्तन को, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है हमारे जलवायु को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे साथियों, हम सब ये कोशिश करेंगे, क्योंकि पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने चार किताबें पढ़ ली और आप IAS बन गए या चार किताब पढ़ के आप बहुत अच्छा कर गए लाइफ में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने पढ़े लिखे फिलोसफीज को नहीं अपनाया अपने लाइफ में तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना करें, आप कितनी भी रिस्पेक्टफुल लाइफ क्यों ना जिए। तो जितना भी आप पढ़ें उनको प्रयास करें कि आप फॉलो करें आगे जाके, ताकि तभी आप सोसाइटी को भी चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अपने स्तर पे आप पानी को सेव करें, लैंड को सेव करें, पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी ऐसे पदार्थ हैं जो आप पानी में जा सकता है तो उसको जाने से रोकें। ठीक है, उसको सही जगह से डिग्रेड करें। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। बाकी एक्सरसाइज है ये तो आपके काम का नहीं है, बाकी स्कूल वाले बच्चे करेंगे अपना। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। तो मेजर्स ऑफ डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पांचवा चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो गया। कल अपना चैप्टर 6 स्टार्ट होगा। इसी तरह लगातार सीरीज में बना रहूंगा, आपके कृपा और प्यार बरसते रहे तो भाई और भी चैनल पे मोनेटाइज हो जाएगा जल्दी। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को मोनेटाइज कराइए, मैं इसे और अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। तो तब तक के लिए रखे अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।